हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे स्पेशल। कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। आज मैं आपको बनाना चाहूँगी गाजर की एकदम नई रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। गाइस, सर्दियों में तो काफ़ी मज़ा आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले लेंगे हम 5 से 6 गाजर। ये ताज़ा गाजर लिए मैंने, अब इनको हम छील लेंगे। इनको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद अब मैं छील रही हूँ। आसान तरीके से छिल जाती हैं ताज़ी गाजर। तो ये मेरे सारी गाजर मैंने छील लिया। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, फटाक से करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। गाइस, आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस भी देखते रहें। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए, गाजर कद्दूकस कर रही हूँ मैं। देखो, गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है। अब इसको हम साइड में उठा के रख देते हैं। अगर आप चाहो तो इसको हम दोबारा वॉश कर सकते हैं, वरना ऐसे ही ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वॉश कर ली थी अच्छे से। फिर गैस हमने रखा है, इंडक्शन में रखा है भगोनी में डाला है मैंने 500 ml दूध, ताज़ा दूध है। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हल्का सा दूध गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने जो कद्दूकस करी थी ना गाजर, वो डाल देंगे और अच्छे से मिलाते रहेंगे इसको। आप चाहो तो इसको गैस पे भी बना सकते हैं, मैंने इंडक्शन पे बनाया है। इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। हल्की सी गाजर बॉईल हो जाए ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अभी गाजर बॉईल हो रही है, तब तक हम ये बॉईल हो रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। ये मैंने लिए बादाम और काजू। बादाम को हम ग्रेट कर रहे हैं ऐसे कद्दूकस करके। आप चाहो तो इनको रोस्ट घी में तल के भी डाल सकते हो, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ऐसे डालोगी मेरी तरह तो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे ही सारे बादाम को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, कद्दूकस कर लिया मैंने बादाम, और काजू को हम ऐसे ही रखे लेंगे, थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया था मैंने। फिर साथ में लेंगे हम कुछ पिस्ता चोस। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हैं, और इसमें भी बॉइलिंग अच्छे से आ चुकी है। गाजर भी हमारी लगभग थोड़ी सी पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मीठा करने के लिए इसमें चीनी। तो हम डाल लें 1 कप चीनी। ये 1 कप मैंने चीनी डाल दी है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस गाजर की इस रेसिपी को बनाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गाइस, काफ़ी मज़ा आता है। गाजर का हलवा तो आप डेली खाते होंगे, एक बार ये भी ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आएगा। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर को और अच्छे से पक जाने, फिर डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहो तो इसमें जायफल का पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर जब पक जाएगी ना अच्छे से, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, सॉरी इंडक्शन। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, मैं इंडक्शन ऑन कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गैस, 5 से 10 मिनट में बन जाती है गाजर की ये नई रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें गैस। ये देखो, गाजर अच्छे से पक चुकी है। अब मैं गैस का इंडक्शन बंद कर देती हूँ, और आप गैस का फ्लेम बंद कर देना। फिर हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। हल्की सी ठंडी हो जाए ना गाजर की रेसिपी, तब भी सर्व करेंगे। गाजर की रेसिपी क्या, गाजर की खीर बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके ऊपर हमने थोड़े से डाल दिए पिस्ता चोस, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ।
देखिए, वाह, इसको बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं, पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं आप। काफ़ी डिलीशियस बनी थी गाइस। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो बाकी वीडियोस भी देखते रहें। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।